नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने ग्रुप डी के 18,218 पोस्ट के लिए एक बम्पर भर्ती जारी की है। यहाँ पे आप ऑफिशियल वेबसाइट पे देख सकते हो, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की वेबसाइट है, जिसमें आपके 26/8/2018 को दो विज्ञापन जारी हुए हैं। और इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दूंगा कि ग्रुप डी में आपकी क्या पोस्ट रहेगी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न प्लस सिलेबस क्या होगा, आयु क्या होगी, प्लस आपके फॉर्म है वो कब से स्टार्ट हो रहे हैं। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूँ, मैं अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर भी एजुकेटर हूँ, जहाँ पर मैं विभिन्न गवर्नमेंट एग्जाम के क्रैश कोर्स अवेलेबल कराता हूँ। और अभी मैंने वहाँ पर राजस्थान LDC हिंदी व्याकरण का कोर्स डाल दिया है, प्लस आपको एक दो दिन में वहां पे राजस्थान लैब असिस्टेंट का कोर्स मिल जाएगा। इसके लिए सिंपली आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है और वहां पर मेरा नाम जसराज चौधरी सर्च करके प्रोफाइल को फॉलो कर दीजिए। और जो भी वीडियो है आप फ्री ऑफ कॉस्ट वॉच कर सकते हो, और इसके लिए मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगा। सिंपली आपको जो भी दो यहाँ पे एडवर्टीजमेंट है यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके भी देख सकते हो। ओके, मैं आपको सिंपली यहाँ पे शॉर्ट में बता देता हूँ, ये जो आपके फॉर्म है ये स्टार्ट हो रहे हैं 29 अगस्त 2018 से, और जो लास्ट डेट रहेगी फॉर्म भरने की ऑनलाइन भरे जा रहे हैं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे, आप देख सकते हो यहाँ पे। और जो लास्ट डेट है आपके 18 सितंबर 2018, और जो फॉर्म में फीस जमा करने की लास्ट डेट है वो है 21 सितंबर 2018। अब मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे आपकी कैटेगरी वाइज क्या पोस्ट है, प्लस आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कैटेगरी वाइज अलग अलग पोस्ट हैं, और आपके टोटल पोस्ट हैं 18,218। और यहाँ पे नॉन एक्स सर्विसमैन और एलिजिबल स्पॉट पर्सन जो नहीं है उनके लिए ये पोस्ट है, और जो स्पॉट पर्सन है और जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए ये पोस्ट दे रखी हैं, और टोटल पोस्ट आपके 18,218 पोस्ट हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसमें क्या होनी चाहिए। तो इसके लिए आपके 10th पास होनी चाहिए, उसके साथ में 10वीं में आपके हिंदी और संस्कृत दोनों में से एक सब्जेक्ट होना जरूरी है, एज होनी चाहिए 18 से 42 ईयर्स। अब आपको मैं एग्ज़ाम पैटर्न बता देता हूँ, कितने मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा। और दोस्तों यहाँ पे दे रखा है जो आपका पे स्केल है वो होगा 16,900 से 53,500 रुपीज़। ग्रुप डी की पोस्ट भी बता दूंगा लास्ट में। और यहाँ पे जो आपकी फॉर्म फीस है वो है जनरल कैटेगरी मेल और फीमेल कैंडिडेट, किसी भी स्टेट से हो जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे तो उसके लिए फीस होगी 100 रुपीज़। यदि आप हरियाणा स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हो तो आपकी वहाँ पे फीस होगी फॉर्म की 50 रुपीज़। और यदि आप SC और BC कैंडिडेट हो तो आपको मेल के केस में 50 और फीमेल, ये हरियाणा स्टेट की बात कर रहा हूँ मैं, फीमेल के हो गया 25 रुपीज़। और जो फिजिकल हैंडीकैप्ड है हरियाणा स्टेट के उनके लिए कोई भी चार्ज नहीं है। ओके, तो यहाँ पे आपके एग्जाम पैटर्न प्लस सिलेबस दिया गया है। जो एग्जाम होगा वो होगा आपके 100 मार्क्स का होगा, जिसमें आपके रिटर्न होगा 90 मार्क्स का, प्लस सोशियो इकोनॉमिक्स क्राइटेरिया एंड एक्सपीरियंस होगा 10 मार्क्स का। इस प्रकार आपके टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। यहाँ पे जो सिलेबस है उसका वेटेज है 75% होगा आपके, जो भी यहाँ पे 90 मार्क्स का रिटर्न होगा इसमें से 75 होगा आपके जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, हिंदी एज एप्लीकेबल, और जो 25% वेटेज है वो है आपके हरियाणा के हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, लिटरेचर, जियोग्राफी और कल्चर वगैरह 25% वेटेज है इनका। ओके, अब मैं आपको बता देता हूँ जो वहाँ पे 10 मार्क्स थे उनमें से किस प्रकार से आपको दी जाएंगी। यदि आप ऑर्फन और विडो कैंडिडेट हैं तो आपको वहाँ पे 5 मार्क्स मिलेंगे, और यदि आप हरियाणा के विमुक्त जाति या फिर तापरियावाद जाति से बिलोंग करते हो तो आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे, और यदि आपके पास किसी भी डिपार्टमेंट में एक्सपीरियंस है तो आपको मैक्सिमम वहाँ पे 8 मार्क्स दिए जाएंगे। यहाँ पे जो मार्क्स दिया जाएगा वो 0.5 मार्क्स फॉर ए ईयर, 1 ईयर के लिए आपको 0.5 मार्क्स दिए जाएंगे, और यदि आपके पास मैक्सिमम 16 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आपको वहाँ पे 8 मार्क्स दिए जाएंगे। ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रुप डी में कौन सी पोस्ट होगी। पियोन के जिसमें सबसे ज़्यादा पद हैं 6,996 पद हैं, और बात करें बेलदार की 3,414 पोस्ट। इस प्रकार आप पोस्ट वाइज जो भी है और पद यहाँ पे वैकेंसीज वाइज आप चेक कर सकते हो, और ये नोटिफिकेशन आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके भी डाउनलोड कर सकते हो। अलग अलग डी ग्रुप के पोस्ट के लिए यहाँ पे अलग अलग वैकेंसीज हैं, और अलग अलग डिपार्टमेंट में ये सभी वैकेंसीज हैं। आप यहाँ पे सभी पोस्ट देख सकते हो डी ग्रुप में जो कि शामिल है। ओके, बहुत सी पोस्ट है यहाँ पे,
और दोस्तों वीडियो देखने के लिए इस प्रकार आपके यहाँ पे 18,218 टोटल 116 यहाँ पे पोस्ट हैं, और जो डिपार्टमेंट है वो भी दे रखे हैं कौन से डिपार्टमेंट में ये आपकी पोस्टेज होगी। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिए, और आपके दिमाग में कोई भी डाउट है तो मेरे को नीचे कमेंट करके बता सकते हो, और पसंद आने पर लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही लेटेस्ट वीडियो आए आपका उसको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलता हूँ ऐसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।